इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर काम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। पानो स्ट्रीट से बरामद 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस, मुकर्रर रास्तों पर रवानदावा। अजहखाना में मजलिस, कमर अब्बास मुजाहिद ने बयान किया। नौ मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। इस्लामपुरा और अतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, दफा 144 नाफिज, 8000 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। आशोरा के सिक्योरिटी प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला की दो टोक हिदायत। उस्मान मुज़दार ने कहा कि मजालिस और जुलूसों के अख्तिताम तक पुलिस और मुतल्लिका महकमों के अहलकार ड्यूटी पर रहे। सोडेवाल बदर कॉलोनी इमाम बरगाह में 9वीं मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजलिस अज़ा मौलाना खलील रजा ने वाक़े करबला पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद तजारत भी बरामद और सदरान की कसीर तादाद में शिरकत। सदर कैंट में मोहल्ले से भी जुलूस बरामद, आजादारों की कसीर तादाद में शिरकत। SP कैंट साद अजीज का जुलूस के रूट का दौरा, सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया, मॉनिटरिंग रूम भी देखा। वसनपुरा शादबाग से 9 मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह अतिया अहले बैत से बरामद हुआ। आजादारों की कसीर तादाद में शिरकत, मातमदारी और नौहा खानी। मजलिस अज़ा का भी एहतमाम, ज़ाकरीन ने मुसाइब अहले बैत बयान किए। समनाबाद जफर कॉलोनी से भी शबीर जुलजना का जुलूस बरामद, इमाम बारगाह कसरे जैनब से निकलने वाले जुलूस में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस के शुराका की गिरिया उसारी, जंजीर सनी। नौ मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट पर लंगर का वसी एहतमाम, कहीं ठंडे मशरूबात तो कहीं पानी, कहीं हलीम तो कहीं बिरयानी। जुलूस के शुरका और रजादारों की मुख्तलिफ अशिया से खूब तवाज़ो। सूबाई वजीर कानून का कंट्रोल रूम का अचानक दौरा, वीडियो लिंक के जरिए मुहर्रम के जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी हुसैन बहादुर की राजा बशारत को ब्रीफिंग। असलम इकबाल भी मुथर, कस्टरे बतूल शादमान पानो स्ट्रीट समेत मुख्तलिफ ईमान बारगाहों, आजादारी जुलूसों के रूट का जायजा। सूबाई वजीर ने सिक्योरिटी के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। IG पंजाब इनाम गनी का मरकजी जुलूस के रूट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं आशूरा पर लाहौर समेत तमाम इजला में सख्त मॉनिटरिंग जारी है। LWMCB आशुरा पर मुथरक शहर की इमाम बारगाहों, जुलूसों के रूट की सफाई, CEO का जायजा। राफिया हैदर कहती हैं सफाई प्लान पर अमल दरामद के लिए अफसरान अहलकार फील्ड में रहे। आशुरा पर बिजली की बिला तआतुल फराहमी, लेस्को का फील्ड स्टाफ भी 24 घंटे ड्यूटी पर मामूज। चीफ एग्जीक्यूटिव ने फनी खराबियां दूर करने के लिए भी टीमें बना दी, किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का मुहर्रम इंतजाम जायजे के लिए न्यू अस्पताल का दौरा, MS ने इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने ड्यूटी पर मामू डॉक्टर्स पैरा मेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार को गुसल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा ने अर्क़े गुलाब से गुसल दिया, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्त दराजी, वज़ीर आला उस्मान मुज़दार का वाक़े का नोटिस। IG पंजाब को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, 400 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासा करने का मामला, पुलिस की स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील।
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह मुकर्रर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चार सब टीमों पर मुश्तमिल। ग्रेटर इकबाल पार्क वाकया, मुलजमान की शिनाख्त के लिए छुट्टी के रोज नादरा ऑफिस खुलवा लिया। सीसीपीओ कहते हैं वाकये में मुलविस मुलजिम बच नहीं पाएंगे, जल्द मुलजिम शिनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजमान के खिलाफ दफा 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया, तमाम शवाहिद और सबूत इकट्ठे करके गिरफ्तार करेंगे। आईजी का कहना है कि तमाम मुलजमान को सख्त से सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। खातून से दस्ते दराजी करने में मुलाबिस अफराद बच नहीं सकेंगे, गवर्नर चौधरी सरवर की भी ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये की मजम्मत, कहा खवातीन मुल्क और कौम की इज्जत है, उनको तहफ्फुज दिया जाए। ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये पर सर शर्म से झुक गया, शहबाज शरीफ का वाकये पर इजहार अफसोस, बिलावल भुट्टो भी अफसरदा, कहते हैं वाकये के बाद अब पाकिस्तान में खवातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये इंतहाई शर्मनाक है, वजीर जेलखाना जात ने कहा कि मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा कि तशद्दुद में मुलविस अफराद अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ये बच्ची जिसके साथ मीनारे पाकिस्तान पर ये सारा कुछ हुआ, उसने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो तो दुपट्टा भी लिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ मसला कपड़ों से ज्यादा ये है। ये भी एक मामला है, फाशी और यानी एक जुज है, कुल नहीं है। कुल ये है कि ये जो जहनों के अंदर वहशत और दहशत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि वो अकेली क्यों निकली या अकेली क्यों गई, इसके साथ तो कैमरामैन भी थे, इसके साथ तो और लोग भी थे। जो जहनों के अंदर आवारगी है और दरिंदगी है, उसके खात्मे की हमें बात करें। ताहिर अशरफी की खवातीन को हिरासा करने पर सरेआम सजाओं की तजवीज, कहा ग्रेटर इकबाल पार्क वाकया काबिले मुसम्मत है, कहा खवातीन के बाहर निकलने को कोई मायूब समझता है तो उसे पागल खाने चेकअप करवाना चाहिए। एसएसडीओ की ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये की मुसम्मत, कहा ऐसे वाकया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, बच्चों खवातीन ख्वाजा सराओं के तहफ्फुज़ के लिए कौमी सतह की एमरजेंसी का ऐलान किया जाए। इसकी चौथी लहर मुंह जोर हो गई, पंजाब में 1198 शहर में 554 नए केसेस सामने आए, सूबे में 22 और शहर में 11 अफराद जान से गए, हुकूमत की वैक्सीनेशन की अपील। महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर, हुकूमत 3 साल मुकम्मल होने पर खुशियां मना रही है, हमजा शहबाज की लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं पीटीआई की जो कारकर्दगी है उसे तो मुंह छुपाते फिरना चाहिए। वजीर अला पंजाब की दावत पर तौसा शरीफ के तलबा के वफद का दौरा लाहौर, वजीर अला ऑफिस देखा, तलबा कहते हैं पंजाब हुकूमत ने जो इज्जत दी उस पर सरदार उस्मान बुजार के शुक्रगुजार हैं।